जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको छत्रपति शिवाजी महाराज भोसले की पूरी हिस्ट्री बताने की कोशिश करूंगा। आखिर कैसे इतने बड़े मुगल एम्पायर के बीच में इन्होंने अपना मराठा एम्पायर एस्टेब्लिश किया। वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है दोस्तों, बस लास्ट तक देखना। तो चलो शुरू से शुरू करते हैं। ये बात है 16th सेंचुरी एडी की, जब मुगल एम्पायर इधर डेक्कन सल्तनत तक पहुंच चुका था अंडर द रूल ऑफ अकबर। और इन्हीं इस्लामिक डायनेस्टीज के बीच में भोसले क्लैन भी रहते थे जिन्हें मराठा कहा जाता, जिनमें से एग्जाम परस्पेक्टिव से सबसे पहले हमें मालोजी भोसले के बारे में पढ़ना होगा। बेसिकली ये एक गांव के सरदार थे और अहमदनगर के मलिक अंबर के आर्मी में एक बेहतरीन योद्धा थे। फिर 1597 में इनकी मृत्यु हो जाती है और उसी आर्मी में इनके बेटे शाहजी भोसले उनसे भी ऊपर के पोस्ट पे थे। और दोस्तों इन्हीं के बेटे थे छत्रपति शिवाजी महाराज। अब दोस्तों 1626 में मलिक अंबर की मृत्यु हो जाती है और उसकी जगह उसका बेटा फतेह खान आता है। लेकिन इस गद्दी की बदलाव में छोटा सा वॉर ऑफ सक्सेशन लड़ा जाता है, जिसकी वजह से उन्हीं के बीच एक मराठा नोबल जाधव राव थे जिन्होंने 1629 में अहमदनगर की आर्मी को छोड़कर मुगल्स को ज्वाइन कर लिया। और ये देखकर फतेह खान ने निजाम शाही द्वारा उन्हें मरवा दिया। लेकिन शाहजी इस बात से काफी नाराज होते हैं क्योंकि जाधव राव की बेटी जीजाबाई से शाहजी की शादी हुई थी, जिसके लिए ये भी अपनी यूनिट के साथ अहमदनगर का छोड़कर मुगल्स को ज्वाइन कर लेते हैं। और ये इतने काबिल थे दोस्तों कि शाहजहां ने भी इन्हें पूना की 5000 की मिलिट्री का गवर्नर बनाया। लेकिन अब मुगल्स अहमदनगर में इंटरेस्ट रखने लगे थे और शाहजहां मलिक अंबर के बेटे फतेह खान को पूना की जागीर दे देता है, जिसको देखकर शाहजी काफी नाराज हो जाते हैं और अपने यूनिट के साथ मुगल्स को भी छोड़ के चले जाते हैं बीजापुर सल्तनत में। फिर दोस्तों समय बीतता गया और मुगल्स अब अहमदनगर पर अपना कंट्रोल पाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अहमदनगर की टेरिटरी को कब्जा करने के लिए उन पर हमला कर दिया। ये देखकर बीजापुर भी क्यों पीछे रहता, उसने भी अपना सबसे खतरनाक जनरल भेज दिया शाहजी को। तो एक तरफ से शाहजी थे तो दूसरी तरफ से मोहब्बत खान, ये दोनों लोग ज्यादा से ज्यादा टेरिटरी कब्जा करते हैं अहमदनगर की। और इसी बीच 1630 में छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ जीजाबाई और शाहजी से। लोकेशन थी शिवनेरी फोर्ट। लेकिन दोस्तों शाहजी इधर मुगल्स को लगातार परेशान कर रहे थे 1635 के अराउंड में, जिसके लिए शाहजहां ने बीजापुर और गोलकोंडा पर हमला कर दिया और उनको अपने आगे झुका दिया। और उसके ऑर्डर से बीजापुर ने शाहजी को इस एरिया से निकाल कर साउथ के एरिया में भेज दिया हमला करने के लिए, जिससे वो मुगल्स को परेशान नहीं कर पाते। हाँ, लेकिन अभी भी शाहजी के पास पूना की जागीर थी। अब दोस्तों शाहजी दक्षिण भारत में हमला कर रहे थे और इधर उनके बच्चों को देख रहे थे दादोजी कोंडादेव। लेकिन दोस्तों अब क्या हुआ कि 1647 में इनकी डेथ हो जाती है और छत्रपति शिवाजी महाराज को पूरी इंडिपेंडेंस मिल जाती है। और 1640 में उनकी शादी होती है साईबाई से। और 1645 में शिवाजी ने अपने पिताजी को एक चिट्ठी लिखी, उनको अपना हिंदवी स्वराज चाहिए था जिसमें हिंदू डायनेस्टीज रूल करें, यानी वो इन सारी इस्लामिक डायनेस्टीज से परेशान हो गए थे। शाहजी भी यही चाहते थे लेकिन वो जानते थे कि ये नामुमकिन सा है। अब दोस्तों इंडिपेंडेंस पाने के बाद शिवाजी कहाँ रुकने वाले हैं, उन्होंने 15 से 16 साल की उम्र में ही अपना सबसे पहला टोरना फोर्ट कैप्चर किया, जो कि वो उसी इलाके में रहते थे तो उन्हें काफ़ी अनुभव हो चुका था इन पहाड़ी इलाकों का। साथ ही कोंडानन, पुरंदर और कई ऐसे किले कब्जे किए, जिसको देख के बीजापुर हैरान हो गया था कि भाई ये कौन है, बीच में ही इसे हमें कब्जा कर रहा है। तो बताया जाता है कि ये शाहजी के बेटे हैं। फिर दोस्तों शाहजी को बंदी बना लिया जाता है और इन्हें रोका जाता है। शिवाजी उस समय तो कुछ दब जाते हैं, उन्होंने कुछ किले छोड़ दिए, एक दो किले अपने अंडर में रखे सर। अब दोस्तों 1649 में शाहजी को भी रिलीज कर दिया जाता है और उस समय तक उन्हें रिटायर करा दिया जाता है और वो अपने घर चले जाते हैं। अब दोस्तों शिवाजी महाराज फिर कुछ साल बाद 1655 में दोबारा अटैक स्टार्ट कर देते हैं। इधर अटैक शुरू हो चुका था कि 1656 में बीजापुर के मोहम्मद आदिल शाह की डेथ हो जाती है और नए डेक्कन के मुगल विसरॉय बनाए जाते हैं औरंगजेब। वो आते ही शिवाजी को रोकने की बातें करते हैं, लेकिन 1657 में वॉर ऑफ सक्सेशन के द्वारा उन्हें दिल्ली जाना पड़ता है। अब दोस्तों शिवाजी के अंडर में काफी लोग आने लगे थे और शिवाजी के साथ बीजापुर प्लस गोलकोंडा के बीच कई कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, जिनमें से एग्जाम परस्पेक्टिव से कुछ मेजर इवेंट हैं, जैसे बीजापुर के जनरल अफजल खान और शिवाजी महाराज
महाराज के बीच में एक मीटिंग होती है जिसमें अफजल खान धोखे से मारने की कोशिश करता है, लेकिन शिवाजी शेर का नक पहने थे वो उल्टा उसे मार देते हैं, जिसको मरने से एक छोटा सा जंग होता है जिसमें शिवाजी की जीत होती है। अब दोस्तों मुगल्स शिवाजी को नोटिस करने लगे थे और अब दोस्तों 1663 AD में मुगल्स द्वारा शाइस्ता खान को भेजा जाता है जो कि अपनी आर्मी के साथ पूना पे हमला करके पूना को अपने कब्जे में कर लेता है। एक्चुअली में उस समय शिवाजी महाराज वहां नहीं थे। फिर शिवाजी भी एक प्लान बनाते हैं और अपने आर्मी को बारात के गेटअप में उस महल में घुसा देते हैं और शाइस्ता खान पर बुरी तरह से हमला करते हैं, लेकिन शाइस्ता खान किसी तरह से जान बचा के भागता है। और अब औरंगजेब ने अपने सबसे काबिल जनरल आमेर के राजा जय सिंह को भेजा शिवाजी को अपने कैप्चर में करने के लिए, और जय सिंह फर्स्ट ने अपनी सेना के साथ शिवाजी को पुरंदर के किले में घेर लिया। दोनों एक दूसरे को मार नहीं पा रहे थे, जिसलिए 1665 में इनके बीच एक ट्रेटी होती है जिनमें शिवाजी को 35 में से 23 किले छोड़ने पड़ते हैं, यानी मुगल्स को देने पड़ते हैं, और उन्हें मनसब भी मिलता है। लेकिन दोस्तों औरंगजेब के ऑर्डर के हिसाब से जय सिंह और शिवाजी महाराज बीजापुर पे हमला करते हैं, लेकिन वहां से वो लोग हार जाते हैं, जिसको देखकर औरंगजेब काफी हैरान हो जाता है और इन दोनों को बुलाता है अपने महल में। उसके मन में डाउट आ जाता है कि कहीं ये हिंदू रूलर्स एक ना हो जाएं। फिर दोस्तों शिवाजी जब आगरा के महल में पहुंचते हैं तो उनकी वहां काफी बेइज्जती की जाती है मुगलों के द्वारा, जिसको देखकर शिवाजी वहां से बिना इजाजत के वापस आने लगते हैं, लेकिन औरंगजेब की आर्मी द्वारा उन्हें बंदी बना लिया जाता है। फिर दोस्तों शिवाजी किसी तरह से वहां से निकलते हैं और ट्रेटी ऑफ पुरंदर को छोड़कर वापस से सारे किलों पे कब्जा कर लेते हैं और लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं मुगलों से। अब दोस्तों औरंगजेब ने अपने दूसरे काबिल जनरल जोधपुर के राजा जसवंत सिंह को भेजा, जो कि आते हैं और शिवाजी से बातचीत करते हैं और दूसरी तरफ औरंगजेब को भी समझाते हैं कि जैसे आप हमें राजा का दर्जा दे रहे हैं आपको उन्हें भी राजा का दर्जा देना होगा। फिर दोस्तों 1668 तक वो मान जाता है और उनके बेटे शंभाजी को 5000 का मनसब भी देता है। फिर दोस्तों समय बीतता गया और औरंगजेब के बड़े बेटे बहादुर शाह फर्स्ट शिवाजी की टेरिटरी में आ जाता है, मेरा मतलब किसी काम से आया था। औरंगजेब को ये लगता है कि ये मेरा गद्दार बेटा है, गद्दी के लिए शिवाजी से मिल रहा है, जिसके लिए औरंगजेब ने शिवाजी से बैरार को छीन लिया। अब शिवाजी भी कहां छुप रहने वाले थे। उन्होंने 1670 में सबसे खतरनाक हमला किया सूरत बंदरगाह पर। उस समय ये सबसे महत्वपूर्ण ट्रेड सेंटर था दोस्तों मुगलों के लिए। उन्होंने उस पर बुरी तरीके से हमला किया, लेकिन मुगलों ने ईस्ट इंडिया कंपनी का मदद लेते हुए शिवाजी को पुश बैक कर दिया। शिवाजी भी सिर्फ उन्हें डराना चाहते थे और कुछ ऐसा ही हुआ दोस्तों, मुगलों को मदद लेनी पड़ी। इनडायरेक्टली इस लड़ाई में भी शिवाजी महाराज की जीत हुई। फिर दोस्तों 1674 में रायगढ़ के किले में शिवाजी ने भव्य उत्सव के द्वारा छत्रपति का टाइटल अडॉप्ट किया और वहीं से उनका नाम पड़ा दोस्तों छत्रपति शिवाजी महाराज भोसले। और ये टाइटल अडॉप्ट करने के बाद उन्होंने मुगल्स अथॉरिटी को छोड़ दिया और 1778 तक अपना खुद का एम्पायर एस्टेब्लिश कर दिया और वहीं से उन्होंने मराठा एम्पायर की घोषणा कर दी, यानी मराठा एम्पायर को एस्टेब्लिश कर दिया। दोस्तों हिस्टोरियन द्वारा कहा जाता है कि शिवाजी अपनी इकोनॉमी और आर्मी स्ट्रेंथ को समझ गए थे, इसलिए वो नॉर्थ की तरफ ना बढ़कर साउथ को अपने कब्जे में कर लेते हैं और 1680 तक इन्होंने लगभग इतना पूरा एरिया अपने कब्जे में कर लिया था। और फिर 1680 में भारत के महान राजा छत्रपति शिवाजी महाराज भोसले का निधन हो जाता है। और दोस्तों अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि इनके आने वाली पीढ़ी अब मराठा एम्पायर को एक्सपेंड करेगी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन ऑन कर लेना ताकि आगे के पार्ट्स आपको मिलते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।